एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स, भगवंत मान टोटली फेल हो चुका है स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, और दूसरी तरफ जो नशे का बुरा हाल आज सिखरों तक, ऐसे नशे यहाँ पे हैं कि गली गली गांव गांव नहीं घर घर तक पुड़िया की होम डिलीवरी हो रही है। कांग्रेस ने हमारे ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के शपथ या कसम खाई थी कि हम 4 हफ्तों में नशे खत्म कर देंगे, 5 साल उनके, और इन्होंने जो चुटकी मार के केजरीवाल ने गारंटी दी थी, और ये भगवंत मान ने कहा था कि 10 दिनों की खेल है, 7.5 सालों में ये हाल हो गया है कि कोई पंजाब की कोई गली कोई नुक्कड़ कोई गांव ऐसा नहीं जहां शरेआम चिट्टा नहीं बिक रहा है। पिछले 2 दिनों में मेरे पास ऐसी 4 औरतें रोती हुई आई जिनके घर के एक एक नहीं दो दो नहीं तीन तीन बच्चे मर गए नशे की ओवरडोज से, और कोई सुनवाई नहीं। वो बताते हैं कि कौन बेच रहा है कहाँ से बिक रहा है, लेकिन कहते पुलिस ना या तो सुनती नहीं है 1 घंटे के बाद। सो लोगों को समझ आ गया है कि सरकार और उसकी प्रशासन रल मिलके गली गली तक नशे बेच के, आज आम आदमी पार्टी का झाड़ू का खुद का MLA अमृतसर का कुंवर विजय प्रताप, वो खुद अपने सरकार के ऊपर इल्जाम ला रहा है। सो जो लोगों को पता है आज सरकार के अपने MLA बोलने लगे हैं। सो इन हालातों में ना तो कोई इंडस्ट्री आ रही है, और कर्जा इतना चढ़ा दिया है केजरीवाल की सियासत चमकाने के लिए कि पहली बारी पंजाब के हिस्ट्री में जो मुलाजमों की पुलिस की तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है वो 24 तारीख को मिली, और वो भी कर्जा लेके। सो कर्जा लेके तो तनख्वाहें दी जा रही है, तो फिर विकास नाम की कोई चीज नहीं। मैं तो बहुत चीजों की बात करती हूँ। मैंने जो किया है तो बठिंडे के लोग बताएंगे, पर आप उनसे ये जरूर पूछें कि वो 4 बारी MLA रह चुके हैं, कांग्रेस भी उनकी सरकार थी, अकाली दल में भी उनकी सरकार थी, तो उन्होंने जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां वो 20 साल वो रहे जी उधर उन्होंने कोई काम किया हो? अकाली दल ने क्या काम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो गिना दूंगी, लेकिन ये तो ऐसे थे ना तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे और ना ही जो MP ग्रांट की जो पैसे थे उसकी भी 2 पैसे नहीं लगाने देते। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके उनके बारे में पता करिए, ना उनको बोलने की कोई तमीज लोगों के साथ, ना लोगों के बीच में, चंडीगढ़ से बाहर कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते नहीं थे। अब भी ये सब जो बरसाती मेंढक निकल के आए हैं, ऐसे मेरे पिछले 3 इलेक्शन में भी निकल के आए थे, सब बड़े बड़े औहदों में बैठे, मुड़ के बठिंडे तरफ देखा नहीं, आज भी जो मैदान में उतरे हैं वो 1 तारीख के बाद लोगों को भी पता है, ना वो पहले नजर आए ना 1 तारीख के बाद नजर आएंगे।